हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज मैं दिखाने जा रही हूँ आपको किचन प्रोडक्ट्स और किचन ऑर्गेनाइज़र। और मैं आपको बता दूँ कि ये वीडियो मैंने विशाल मेगा मार्ट में बनाई है। तो चलिए चलते और देखते हैं क्या क्या है न्यू कलेक्शन किचन वेयर में। गाइस, सबसे पहले मैंने देखा ये सिपर जो कि 199 रुपीज़ का था, बट इतनी अच्छी क्वालिटी थी इसके प्लास्टिक की, काफ़ी अच्छी और काफ़ी बड़ा भी था। ये क्वांटिटी ज़्यादा आ सकती है इसमें, आप जूस पानी कुछ भी ले सकते हो, आप बच्चों को कुछ भी दे सकते हो। फिर मैंने देखे ये स्टील के बर्तन, फिर ये देखी मैंने घी वाली जो कटोरियाँ होती है ना, वो 199 रुपीज़ की ये कटोरी थी। और शायद इसमें नीचे चेंज भी हो सकता है रेट, क्योंकि यहाँ पे जो सारे बर्तन रखे होते हैं एक रो में उसका रेट लिखा होता है। और फिर मैंने देखी ये अदरक कूटने वाली कूटनी जो कि काफ़ी अच्छी थी और काफ़ी हैवी भी थी। फिर मैंने देखी ये प्लेट जिसको मुझे समझ में नहीं आया कि इस ये किसकी प्लेट है, मतलब खाली प्लेट रखी थी, कोई भगोना वगैरह कुछ नहीं रखा था। फिर मैंने देखी ये जाली 69 रुपीज़ की, जिसमें आप स्पून्स वगैरह रख सकते हो, चम्मचे रख सकते हो। और मैंने देखा 99 का ये वाला चिमटा बोल सकते हो इसको, ये ऐसे है जैसे आप कुछ तला हुआ कुछ निकाल रहे हो इस कढ़ाई से, आप पकौड़े वगैरह बनाते हो तो इसको टाइट से प्रेस करके आप निकाल सकते हो, जिसकी वजह से ऑयल बिल्कुल नहीं रुकेगा पूड़ियों में या फिर उसमें पकौड़ियों में। फिर मैं देखी 89 रुपीज़ का ये, जिससे हम पाव भाजी बनाते हैं, काफ़ी अच्छा था, इसका स्टील भी काफ़ी हार्ड था। और फिर मैंने देखी 50 रुपीज़ की ये छलनी जो कि अगेन स्टील की ही थी और अच्छी क्वालिटी के साथ थी। फिर मैंने देखे ये चमचे और ये सब अदरक कसने वाला, ये सब छोटी छोटी चीज़ें थी, काफ़ी अच्छी थी। फिर मैंने देखा 150 का ये इडली मेकर, काफ़ी अच्छा लगा। मैं आपको बता दूँ ये 149 का था, 1 रुपया कम था 150 में। और इसमें आप एक साथ 4, 4, 8, 12 इडलियाँ बना सकते हैं। और ये काफ़ी अच्छा था और हैवी भी था, इतना हल्का नहीं था। तो जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, आपको सुबह सुबह बनानी हो, तो ये छोटा सा काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। फिर मैंने देखा ये छोटा सा बाउल जो कि काफ़ी अच्छा था और काफ़ी गहरा भी था, ये आई थिंक ये 80 रुपीज़ का था। और इसकी जो स्टील थी काफ़ी अच्छी थी, और सबसे बड़ी बात ये काफ़ी गहरा भी था और छोटा था। फिर मैंने प्लेट का सेट देखा जहाँ पे टोटल 119 रुपीज़ लिखे थे। फिर मैंने देखी ये पूजा की थाली जिसका 149 प्राइस था, और ये काफ़ी हैवी थी और आप देख सकते हैं इस पे कैसी डिज़ाइन बना हुआ है, काफ़ी अच्छी लग रही थी ये पूजा की थाली। फिर मैंने देखा ये 99 रुपीज़ का, आप इसमें चीनी वगैरह या पत्ती वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। फिर मैंने ये देखा दोबारा से ऐसे ही वाला, बट इसका जो ऊपर ये 199 रुपीज़ का था और इसके जो ऊपर ढक्कन था वो ग्लास का था, कांच का था, वो काफ़ी अच्छा लग रहा था, लुक अच्छी आ रही थी उसकी, काफ़ी अच्छा लग रहा था ये। फिर मैंने देखा ये पूरा सेट जो कि 99 रुपीज़ का था, 3 थे इसमें, आप लंच बॉक्स की तरह यूज़ कर सकते हैं इसको। और फिर मैंने देखी ये छोटी सी कढ़ाई टाइप जो कि काफ़ी अच्छी थी, 250 या 350 की थी, आप वीडियो पोस्ट करके देख सकते हैं, मैं सभी के रेट दिखाए हुए हैं। फिर मैंने देखी ये छोटी सी, ये आप इसमें जैसे छोक वगैरह लगाते हैं ना वो लगा सकते हैं, 249 का था ये। और या फिर थोड़ी बहुत जैसे दाल बनाते हैं लोग वो आप यूज़ कर सकते हैं। फिर मैंने देखा 499 रुपीज़ का ये तवा जो कि नॉन स्टिक था, और यहाँ पे काफ़ी कलर्स के तवे अवेलेबल थे, जैसे ग्रे देखा मैंने और साइड में आप देखोगे कि ब्लैक और ब्लू भी थे जो काफ़ी अच्छे थे। फिर मैंने देखी यहाँ पे बोटस जो एक के साथ एक फ्री थी, 99 रुपीज़ की थी और काफ़ी अच्छी प्लास्टिक थी इनकी, देखिए बाय वन गेट वन फ्री लिखा हुआ है, तो ये मुझे अच्छी लगी। फिर मैंने देखी ये बास्केट जो कि 59 रुपीज़ की थी, और इनकी प्लास्टिक और इनका डिज़ाइन आप देख ही सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है गाइज। फिर मैंने देखी 99 रुपीज़ की ये, सॉरी 59 रुपीज़ की ये छोटी सी बास्केट, इसका एक कलर की वो भी काफ़ी प्यारी थी। एंड फिर मैंने ये देखी 59 रुपीज़ की छोटी सी ब्राउन कलर की प्लास्टिक, इसका भी डिज़ाइन बहुत प्यारा था। फिर मैंने देखे ये मग, और ये इतने महंगे थे, इतना महंगा 199 रुपीज़ का ये मग, मतलब मुझे ज़्यादा महंगा लगा, प्लास्टिक अच्छी थी मैं मानती हूँ, बट ये थोड़ा एक्सपेंसिव लगा मेरे को।
फिर मैंने आपको रेट के साथ लंच बॉक्स दिखा दिए हैं, आप घर में भी इनको यूज़ कर सकते हैं एज अ टाइट कंटेनर। और 149 से 199 रुपीज़ के ये सारे कंटेनर्स थे, आप देख सकते हैं। 3 का सेट था 99 रुपीज़ में, और इस पर भी बाय वन गेट वन फ्री था विशाल मेगा मार्ट में। और फिर मैंने देखी ये छोटी सी, पहले मुझे समझ में नहीं आई ये है क्या, फिर मैंने इसको उठाया तब देखा कि आप डाइनिंग टेबल पर जैसे नमक वगैरह रखते हैं, चीनी या कुछ भी रख सकते हैं। 3 का सेट था ये, इतना प्यारा लग रहा था लेकिन इस पर रेट नहीं लिखा था। और फिर मैंने देखी ये वाले कंटेनर जो कि काफ़ी अच्छे लग रहे थे, और ये एयर टाइट कंटेनर थे। जैसे आप कहीं बाहर जा रहे हो, बच्चे के लिए दूध ले जाना हो या फिर अपने लिए बिस्किट नमकीन कुछ भी लेके जाना हो, आप इसमें ले जा सकते हैं। 100 रुपीज़ के ये थे। फिर मैंने देखे 119 रुपीज़ की ये टोकरियाँ, आप देख सकते हैं ये 4 का सेट है, और बड़ी उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे एक और छोटी। फिर मैंने देखा 149 का ये वाला सेट, ये मुझे इतना प्यारा लगा गाइस। इसके साथ देखिए 3 छोटी छोटी सी वो हैं, जैसे चीनी रखने की वो टोकरियाँ सी नहीं होती हैं वो हैं, और उसके ऊपर ढक्कन भी है, बहुत प्यारा लग रहा था। फिर मैंने देखा ये ग्लास का एक छोटा सा डिब्बा, आप डिब्बा ही बोल सकते हैं, 99 रुपीज़ का था, काफ़ी प्यारा लग रहा था, एयर टाइट था ये। फिर मैंने देखे ये मॉप्स 599 रुपीज़ के और 799 रुपीज़ के। जो 799 रुपीज़ के थे वो थोड़े हैवी थे, जो 599 रुपीज़ के थे वो थोड़े लाइट प्लास्टिक के थे। फिर मैंने ये छोटी सी उठाई, ये देखी 29 रुपीज़ की थी, ये छोटी सी प्लेट थी, इसमें 2 पार्टीशन किए हुए थे। फिर मैंने देखी 129 रुपीज़ की बच्चों की ये प्लेट, जो कि प्लास्टिक की ही थी, कांच की नहीं थी, बट बहुत प्यारी लग रही थी। फिर मैंने एक छोटी सी ये प्लेट उठाई जो कि 19 रुपीज़ की थी, आप इसमें स्नैक्स 40 रुपीज़ की थी, आप इसमें स्नैक्स वगैरह सर्व कर सकते हैं। और इसके जो कलर है आप देख रहे हैं कितना प्यारा कलर है। फिर मैंने देखी ये बाउल 79 रुपीज़ के, ये भी बाय वन गेट वन फ्री था, तो मुझे ना ये पिंक वाले बाउल बहुत प्यारे लगे। फिर मैंने देखी ये कटोरियाँ सूप बाउल बाय वन गेट वन फ्री थे ये भी, और इनकी जो मतलब ये प्लास्टिक में नहीं थे, कांच में थे, और काफ़ी प्यारे लग रहे थे मुझे ये कांच में। फिर मैंने देखा ये जिसमें आप जैसे मेहमान आते हैं तो आप डाइनिंग टेबल पे ड्राई फ्रूट्स वगैरह इसमें सर्व कर सकते हैं उनको, और नमकीन बिस्किट भी रख सकते हैं, और इसमें ना प्लास्टिक के ढक्कन भी थे जिससे कि वो सीलते नहीं हैं। फिर मैंने देखा ये छोटा सा ये सिपर बोल सकते हैं आप इसको, और काफ़ी अच्छा था ये, 49 रुपीज़ का था, और ये काफ़ी हैवी था बट बच्चों के मतलब का नहीं था। फिर मैंने देखी ये छोटी छोटी सी डस्टबिन 79 रुपीज़ की, किचन डस्टबिन बोल सकते हैं आप इनको, रूम डस्टबिन बोल सकते हैं। रूम में जैसे छोटा बहुत कूड़ा होता है वो आप इसमें डाल सकते हैं, किचन में तो ज़्यादा हो जाता है। ये इतनी प्यारी लग रही थी, छोटी सी बात डस्टबिन काफ़ी प्यारी लग रही थी, और इसकी प्लास्टिक भी काफ़ी अच्छी थी। फिर गाइस मैंने ये देखा, ये शायद बाथरूम और या फिर किचन के यूज़ के लिए होता है, डोंट नो। इसका प्राइस तो 149 था, बट इसको यूज़ कहाँ पे करें मुझे नहीं पता। फिर ये नॉन स्टिक आइटम थे जिसपे मैंने सोचा पूरी वीडियो दिखा देती हूँ आपको क्या क्या अवेलेबल है, आप देख लो। फिर मैंने देखा ये पर्पल कलर का एक कप, जो कि लग तो काफ़ी प्यारा रहा था, ये कांच में नहीं प्लास्टिक में था, बट महंगा बहुत था, 199 रुपीज़ का वो कप था। फिर मैंने देखे ये 40 रुपये के दोबारा से लंच बॉक्स जैसे, या फिर आप उसे कैसे भी यूज़ कर सकते हो, 2 का सेट था, काफ़ी प्यारा लग रहा था। प्लास्टिक यहाँ पे जो प्लास्टिक वाली चीज़ है ना, सभी की प्लास्टिक काफ़ी अच्छी थी। फिर मैंने देखा 358 के ये कंटेनर जो कि कांच के थे और एयर टाइट कंटेनर थे, सेट ऑफ 3, मतलब 3 के थे 199 रुपीज़ में, और ये कांच के थे, इतने प्यारे लग रहे थे। फिर मैंने देखा यहाँ पे प्लास्टिक कंटेनर जो कि 179 का एक था, और मैं बताऊँ प्लास्टिक के और कलर की बात, जो यहाँ पे कलर अवेलेबल था वो काफ़ी अच्छा था। और देखिए ये ना 3 का सेट है, इसके अंदर ना 3 है, जैसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटे वाला, तो ये 3 का सेट था पूरे का पूरा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड में भी कंटेनर्स रखे हुए हैं, वो भी मैंने आपको रेट दिखा ही दिया है। फिर मैंने देखे यहाँ पे ये ग्लासेस वगैरह जिनका रेट यहाँ पे लिखा हुआ है, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। फिर मैंने देखा 79 रुपीज़ का ये कप का सेट, मैं कहा इतना सस्ता 79 रुपीज़ का।
फिर मुझे दिखा कि हाँ ये 79 रुपीज़ का ही है, बट ये वेडिंग गिफ्ट है। और ये वाला 159 का था, मतलब जैसे जैसे डिज़ाइन था क्वालिटी के हिसाब से रेट्स चेंज थे। फिर मैंने देखा 199 रुपीज़ का ये वाला वेडिंग गिफ्ट, जो कि टी सेट था, और काफ़ी प्यारा लग रहा था ये टी सेट, और इसमें 4 कप थे और कैटल थी। फिर मैं देखा 199 रुपीज़ का ये कप का सेट, इसमें 6 कप थे, बट इनका जो डिज़ाइन था गाइस मैं आपको बता नहीं सकती, सामने से बहुत प्यारा लग रहा था, शायद वीडियो में आपको ऐसा ना दिखे। फिर मैंने देखी ये छोटा सा टकीला शॉट के ग्लास, जो कि 30 रुपीज़ के थे, काफ़ी प्यारे लग रहे थे। और जो सिंपल ग्लास है कांच के चाय वाले, वो 90 रुपीज़ के थे, जैसे कांच के ग्लास में चाय पीते हैं थे, तो ये शॉर्ट ग्लास बट इनमें चाय भी पी सकता, बहुत बहुत अच्छी लगेगी। फिर मैंने देखा ये सिंगल ग्लास, गाइस ये सिंगल ग्लास 199 रुपीज़ का था, मैं शॉक हो गई ये देख कर कि ये है भैया, इसमें कैसा क्या है कि ये इतना महंगा है, बट मैंने उठा के देखा तो काफ़ी हैवी था यार। फिर मैंने देखा ये चटनी के बाउल, छोटे छोटे से बाय वन गेट वन फ्री, और ये भी इतने प्यारे प्यारे थे गाइस, मैं बता नहीं सकती, जैसे होटल में मिलता है ना हम खाना खाने जाते हैं वैसे ही था गाइस। फिर मैंने ये देखा कि आप इस ये मैंने अमेज़ोन पे भी देखा था, बट अमेज़ोन पे काफ़ी महंगा था और यहाँ पे थोड़ा बहुत सस्ता था, अब मुझे इसका रेट पता नहीं चल रहा था कहाँ। फिर मैंने एक ड्रॉर ऐसी देखी खोल कर आपको दिखाने के लिए, तो मैंने यहाँ पे रेट आपको मेंशन कर दिया 799 रुपीज़ का, मैंने अमेज़ोन पे चेक किया था तो अमेज़ोन पे भी इसी के आसपास का था, तो ये एक्सपेंसिव लगा। बट प्लास्टिक की बात करें तो इसकी प्लास्टिक काफ़ी अच्छी है, इसमें 4 बॉक्स हैं, आप इसमें कुछ भी अपनी कंघी तेल पाउडर कुछ भी अपने मेकअप का सामान रख सकते हैं अरेंज करके। फिर मैंने देखी ये बास्केट 799 रुपीज़ की, और ये इतनी अच्छी बास्केट थी गाइज, इतनी अच्छी प्लास्टिक थी इसकी, आप इसमें लॉन्ड्री के कपड़े वगैरह सब रख सकते हैं। फिर मैंने देखा बाय वन गेट वन फ्री में ये एक छोटा सा एक और बास्केट, जो कि काफ़ी प्यारी लग रही थी, और 99 रुपीज़ की ये एक थी, और आप देख ही सकते हैं कलर कितना अच्छा लग रहा था, लेवेंडर कलर था इसका। फिर मैंने देखी ये बास्केट जो कि 3 का सेट था 199 रुपीज़ में, ये भी 3 ही थी और इन पर भी काफ़ी अच्छा डिज़ाइन बना हुआ था गाइज। ये है सारी, आप देख सकते हैं क्रॉकरी के साइड का सारा सामान काफ़ी अच्छा था, कांच के ये बाउल थे, लास्ट में मैंने आपको ये दिखाए, आपको कैसे लगे आप वीडियो में ज़रूर बताना, आप कोई और वीडियो चाहते हो मेरे से, कहाँ की वीडियो चाहते हो वो भी कमेंट करना। फिर मैंने 999 में एक और वेडिंग गिफ्ट देखा, जो कि 999 में 31 पीस था, छोटी प्लेट और कटोरियों का एक साथ। तो वेडिंग गिफ्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, और स्टील के बर्तन भी काफ़ी अच्छे हैं विशाल मेगा मार्ट में, और स्टोरेज बॉक्स वगैरह भी सब कुछ अवेलेबल है। 199 रुपीज़ की यहाँ पे बास्केट देखी, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करना। बाय बाय।